इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। कोची केरला का एक आधुनिक शहर है जो एक समय दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख रियासतों में से एक था। कोची का इतिहास इसके बंदरगाहों और यहाँ पर होने वाले व्यापार से जुड़ा हुआ है। मध्ययुगीन काल में कोची न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। आइए जानते हैं कोची रियासत की कहानी। दक्षिण भारत में तीन बड़ी और प्रमुख रियासतें थी। एक था मैसूर, दूसरा था कोचिन और तीसरा था ट्रावणकोर। अब जैसे राजस्थान हो या मराठा रियासतें हो, उनसे अलग इन तीन रियासतों का अपना एक विशिष्ट इतिहास था जो मैरिटाइम ट्रेड से जुड़ा हुआ था और जो इस रीजन के अपने डायनामिक से जुड़ा हुआ था। और केरल से बाहर एटलीस्ट लोग ट्रावणकोर रियासत के इतिहास को जानते हैं, क्योंकि ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो खजाना मिला है उसके बाद ट्रावणकोर रियासत की काफ़ी चर्चा हुई है देश भर में। पर केरल की दूसरी बड़ी रियासत कोचिन के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। तो आज हम इस पॉट टाउन और यहाँ के राजाओं की कहानी जानेंगे। केरल के इतिहास की बात करते हैं तो ये इसे डोमिनेट करती हैं दो चीज़ें। एक है वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स में बहुत ही रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना, यहाँ के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो। और दूसरा है यहाँ का कोस्ट, यहाँ के बंदरगाह। और दोनों को एक चीज़ जो जोड़ती है और जिसने केरला के पोर्ट्स को दुनिया के इतिहास के साथ जोड़ा, वो था पेपर या काली मिर्च ने। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के पहले, मॉडर्न इन्वेंशंस के पहले, अगर आपको आपके खाने को प्रिजर्व करना होता था तो वो पेपर के थ्रू ही होता था। और एंशिएंट टाइम्स में या अर्ली मेडिवल टाइम्स में पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, और इसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में, चाइना में, और दुनिया का उस समय का सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ पेपर मलबार जो कैलिकट है, कोची है, या ये केरल का प्रांत है, वहाँ से मिलता है। तो इसके लिए दुनिया भर से, इवन रोमन साम्राज्य के समय में भी दुनिया भर से, चाइना से, रोम से, इजिप्ट से व्यापारी केरल के बंदरगाहों में आते थे। उस समय एक द ग्रेट एक पोर्ट हुआ करता था, वो था म्यूजिरिस, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया था। केरला के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें इतना पता नहीं है, स्पेशली उस समय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। पर एक टेक्स्ट जिसे काफ़ी हिस्टोरियंस रेफर करते हैं वो है केरला लोधिपति, जो 17वीं शताब्दी का टेक्स्ट है। और काफ़ी हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक कहानी है, इट्स मोर लाइक अ फैंटेसी डॉक्यूमेंट, लाइक मिक्सिंग हिस्ट्री विद अ मिथ्स। पर ये हमारे पास है। और इस डॉक्यूमेंट के अनुसार केरला पर जो चेरा साम्राज्य का राज्य हुआ करता था, तो सम टाइम अराउंड 4th शताब्दी में जो केरला के जो आखिरी चेरा सम्राट थे, ये टेक्स्ट हमें बताता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना राज्य जो है वो जो अलग अलग चीफ्टन्स हैं उनमें अपना राज्य डिवाइड करके वो अरेबिया चले गए। अब ये कंट्रोवर्शियल बात है क्योंकि काफ़ी लोग इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, सच हो या झूठ। बट हमें ये पता है कि जो चेरा साम्राज्य जो ख़त्म हो गया, उसके बाद केरला में कई राज्य बने जिन्हें स्वरूपम कहा जाता था और जिनके रूलर को स्वरूपी कहा जाता था, जैसे कि वेनाड का राज्य है जो आगे चल के ट्रावणकोर राज्य बना, या उत्तर में जो और एक स्वरूपम था जो आगे जाके कैलिकट या कोझिकोड का राज्य बना। तो वैसे ही एक स्वरूपम हुआ करता था जिसका नाम था पेरिमपडप्पू स्वरूपम,
जो वनेरी गांव है त्रिशूर जिले में, वहाँ पर उनका उनका बेस था, उनका कैपिटल था। और उनके जो मेन शत्रु थे वो थे कैलिकट के जो जामोरिन्स, आगे चल के जो जामोरिन्स बने। तो सालों तक इस पेरेम्पडप्पू स्वरूपम का कोझिकोड के राजाओं के साथ जो जामोरिन्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, पर यू नो जामोरिन ज़्यादा शक्तिशाली थे और इस परिवार को ये वानेरी और ये सारी ज़मीन है छोड़ के इन्हें जाना पड़ा और काफ़ी साल वो ऑब्सक्योरिटी में रहे। तो हमें ये रेफरेंस मिलता है, इसका एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, कि ये जो पेरेम्पडप्पू स्वरूपम के जो राजकुमार थे उन्होंने एक नंबूदरी, यानी नंबूदरी जो प्रमुख ब्राह्मण केरला के थे और उनके पास काफ़ी ताकत थी और काफ़ी संपत्ति थी, तो जो एड़ापल्ली नंबूदरी थे उनकी जो बेटी थी उनके साथ पेरेम्पडप्पू राज परिवार के एक राजकुमार ने शादी कर ली। और इसके साथ ही ये जो कोची का जो एरिया है वो इस परिवार को मिल गया, और प्लस उनके पास इस नंबूदरी परिवार की संपत्ति भी उनके पास आई। और इस तरह से एक्चुअली ये जो कोची है इस पर यू नो इस परिवार का राज्य शुरू हुआ। अब कोची का एक महत्व ये था कि उसका जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन, जो आइलैंड और एक, तो एक नेचुरल हार्बर बनता है उस समय। अगर आप देखें ये 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स तक जो जहाज़ हुआ करते थे, जो ट्रेड किया करते थे अरेबियन सी में, वो छोटे जो ढाउज बोलते हैं, अगर आप देखिए अरेबियन सी में दुबई में आपको वो ढाउज लकड़ी के जो ये दिखेंगे, तो उस तरह के जहाज़ हुआ करते थे जो कोस्ट कोस्ट से जाते थे। तो यू नो जो रफ समुंदर है उससे बचने के लिए कोची एक बहुत सूटेबल हार्बर था। तो अभी धीरे धीरे कोची पनपने लगा। उस टाइम पर मेन जो पोर्ट था मलबार का वो था कोझिकोड, और वहाँ के जामोरिन बहुत शक्तिशाली और बहुत अमीर थे। पर तो यू नो कोची वाज लाइक नंबर टू, हमेशा वो नंबर टू ही रहा। पर काफ़ी यहाँ पर भी काफ़ी व्यापारी आने लगे। उस समय पर तो जो ये मिडिवल पीरियड है 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी का, तब जो ट्रेड हुआ करता था पेपर ट्रेड, वो अरब ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे, और मतलब यहाँ से इजिप्ट ये पेपर जाया करता था, और वहाँ से जो विनीशियन लोग हैं वो यूरोप ले जाया करते थे। तो यहाँ पर अरब लोग आकर बस गए। बाद में यहाँ पर जो सीरियन अरामिक क्रिश्चियंस हैं जो सीरिया से और लेबनान और जो इराक, जो अरामिक ईस्टर्न जो बिजेंटाइन एम्पायर एक्चुअली, तो वहाँ से आकर कोची में बस गए। फिर जो जूज हैं, अलग अलग जूश कम्युनिटीज़ यहाँ पर आकर बस गई, क्योंकि यहाँ पर व्यापार था ये। इट अगर आप कहें तो उस समय का जो दुबई है, जैसे कि जो अभी तो हम तेल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, पर उस समय जो पेपर था वो ब्लैक गोल्ड था। तो यू नो दुनिया भर से अब यहाँ पर व्यापारी आने लगे। एक बहुत सिग्निफिकेंट बात ये है कि हम जब इंडिया और चाइना के रिश्तों की बात करते हैं तो हम जनरली यू नो तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट या बुद्धिज़्म या उसकी बात करते हैं, पर सच बात तो यह है कि कोची उस समय बहुत क्लोजली चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था। और इनफैक्ट यू नो हमें पता है फायान और ह्यूनसांग जो उत्तर भारत में आए और जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं उन्होंने लिखा, पर द फैक्ट इज़ कि यहाँ पर जो चाइना 15वीं शताब्दी में एडमिरल जेंग है करके हैं जो चाइना के जो एडमिरल थे, उनका एक एक्सपीडिशन कोची आया था। हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि उस समय कोची एक बहुत प्रॉस्परस टाउन था, यहाँ पे चाइनीज मर्चेंट्स ट्रेड करते थे। तो उनका कोची का उस समय से चाइना के साथ एक गहरा संबंध रहा है। उस समय क्या हुआ, ये 15वीं शताब्दी की ही बात है, कि बिकॉज ये अरब्स और विनीशियंस जो पेपर ट्रेड को कंट्रोल करते थे, तो जो पेपर यहाँ से कोची से वो खरीदते थे उसका ऑलमोस्ट 50 to 100% 100 times
ज्यादा उसका कॉस्ट यू नो बाय द टाइम वो यूरोप में पहुंचता था तो उसका ऑलमोस्ट बहुत आई मीन मल्टीपल्स में उसका कॉस्ट बढ़ रहा था. और पुर्तगाल और स्पेन और यू नो ये जो सारी जगह हैं वहाँ पर वो बहुत महंगा बिकता था. तो वहाँ के जो एक्सप्लोरर्स थे और जो लोग थे उनको एक यू नो इच्छा थी कि हम भारत जाएं डायरेक्टली ये मिडिल मैन को काट कर ताकि हम पेपर और जो जो स्पाइसेस हैं वो भारत से डायरेक्टली खरीद सकें. और ये वो समय भी था जिसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है जब स्पेशली पुर्तगाल और स्पेन से ये जो एक्सप्लोरर्स हैं वो नई दुनिया नई ज़मीनें नए सी रूट्स खोजने निकल रहे थे. तो ऐसे ही एक एक्सपेडिशन के तहत फाइनली 1498 में वास्को डी गामा कैलिकट पहुँचे और एक भारत के इतिहास का कोची के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ. अब यू नो ऑलमोस्ट तीन चार सदियों से कोची और कैलिकट के बीच में पुरानी दुश्मनी थी. आई मीन बहुत और जो कैलिकट है वो कैलिकट के राजा जो जामोरिन है वो कोची पर हमला करते थे डिस्ट्रॉय करते थे एंड ऑल. और कोची हमेशा नंबर टू पे ही रहा उसने बहुत कोशिश की. अब क्या हुआ जब वास्को डी गामा कैलिकट आए तो वहाँ पर जो लोकल मर्चेंट्स और पोर्चुगीज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ बिकॉज जो लोकल अरब मर्चेंट्स और जो ये है वो नहीं चाहते थे कि पोर्चुगीज उनके जो ट्रेड की जो प्रिविलेजेस हैं वो छीन ले. और जो पोर्चुगीज हैं वो तो पूरा ट्रेड अपने कब्जे में करना चाहते थे. तो उस समय 1500 में आई मीन वास्को डी गामा तो वापस चले गए पर ईयर 1500 में एक सेकेंड एक्सपीडिशन आया वो था काब्राल का. नाउ इंटरेस्टिंगली अल्वारेस काब्राल वही पर्सन है जो जिन्होंने ब्राज़ील की खोज की. और एक्चुअली वो इंडिया आ रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने एक गलत टर्न ले लिया तो यू नो वो ब्राज़ील पहुंच गए बट यू नो वो भी एक अलग कहानी है. तो अपने दूसरे एक्सपीडिशन में वो भारत आए और उस समय कैलिकट को बैलेंस आई मीन काउंटर बैलेंस करने के लिए जो कोची के राजा हैं उन्होंने पोर्चुगीज के साथ अलायंस किया और पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री है वो कोची में शुरू की. तो इस तरह से अगले ऑलमोस्ट 100-200 सालों तक जो कोची है वो पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस में रहा. आई मीन उनके उन्हें एक यू नो जो कोची और पोर्चुगीज का जो अलायंस है वो जो जामोरिन है कैलिकट के उनकी शक्ति को काउंटर करने के लिए वो काम करता रहा. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ का जो सेंट जेवियर्स चर्च है कोची का तो वास्को डी गामा जो है जब उनका निधन हुआ साउथ ईस्ट एशिया में तो पहली बार उन्हें कोची में ही दफनाया गया और बाद में उनकी बॉडी को पुर्तगाल ट्रांसफ़र किया गया. अब कैलिकट के जो राजा थे जो जामोरिन थे वो तो कोची को ख़त्म करना चाहते थे बिकॉज कोची वॉज देयर ओनली राइवल इवन दो इट वॉज अ नंबर टू राइवल. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया कोची पर और ऑलमोस्ट वो राज्य को ख़त्म ही करना चाहते थे. और इसका फ़ायदा पुर्तगालियों ने उठाया और पुर्तगालियों ने कोची के राजा को कहा कि आप हमारे साथ एक प्रोटेक्शन अलायंस साइन कीजिए ताकि हम आपको मदद करेंगे कैलिकट के जामोरिन के खिलाफ. और वो उनका अलायंस हुआ और कोची बिकेम लाइक अ पोर्टुगीज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टोरेट. और 1503 में जो फोर्ट कोची है पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो फोर्ट कोची है उसका यहाँ पर निर्माण किया. आगे चलकर मैटनचेरी पैलेस जो है यहाँ का बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है इसे पुर्तगालियों ने ही बनाया था और कोची के राजा को प्रेजेंट किया था. तो इस तरह से पुर्तगालियों और कोची के राजाओं का एक क्लोज अलायंस चला. पर एक प्रॉब्लम ये था कि जो पुर्तगालियों थे वो बहुत ही रिलीजियस फैनेटिक थे. तो ना सिर्फ हिंदू ना सिर्फ यहाँ के जूस बट इनफैक्ट इवन जो सीरियन क्रिश्चियंस थे उनको भी पुर्तगालियों ने बहुत तंग किया. और इसकी वजह से जो जो इवन कोची के जो राज परिवार हैं यहाँ के जो लोग हैं उनमें और
पुर्तगालियों में एक बहुत दे बिकेम अगेंस्ट द पोर्तुगीज। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे भारत भर के राज परिवारों में होता है, तो जो कोची राज परिवार के जो दो ब्रांचेस थे उनमें बहुत झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इसी का फायदा उठाया डच ने। अभी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पुर्तगालियों की राइवल थी, उन्हें अपनी मोनोपोली बनानी थी, और उस समय इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा उस समय वो सबसे ताकतवर थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर डच कोची आए और फिर उन्होंने कोची पर कब्जा किया, और एक तरह से उनका पुर्तगालियों को आसानी से उन्होंने उखाड़ फेंका कोची से, और एक तरह से अपना एक इन्फ्लुएंस आया। तो आज अगर आप देखें तो कोची में अगर आप बिल्डिंग्स देखें, आर्किटेक्चर देखें, तो आपको यहाँ पे डच आर्किटेक्चर भी नज़र आता है। अराउंड 1755 में यहाँ के जो राजा थे वो थे शक्तन तंबूरान, जो जैसे हम राजा मार्तंड वर्मा को जानते हैं ट्रावणकोर के, जिन्होंने एक पावरफुल राज्य बनाया, जिन्होंने ज़मींदारों की पावर को ख़त्म की और एक अपना एक ये बनाया। तो जो शक्तन तंबूरान थे वो बहुत ही पावरफुल राजा थे। उन्होंने जो छोटे छोटे चीफ्टन ज़मींदार उनकी पावर को ख़त्म किया, अपनी फौज को पावरफुल किया। थ्रिसूर, जो आज का थ्रिसूर जो टाउन है जहाँ पर इट इज़ नोन एज द गोल्ड सेंटर ऑफ इंडिया, तो उस टाउन को उन्होंने बसाया और वहाँ पर दुनिया भर की जो व्यापारी हैं, बैंकर्स हैं, वहाँ पर उनको आकर बसाया। जो कोची के राजा हैं वो कोची सिटी में नहीं रहते थे, उनका कोची के बाहर त्रिपुनित्रा करके एक जगह है, वहाँ पर पैलेस हुआ करता था। और अगर आज भी आप जाएं तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत उनका पैलेस है, जिसे हिल फोर्ट पैलेस या हिल पैलेस भी कहा जाता है, या त्रिपुनित्रा पैलेस कहा जाता है। तो राजधानी हमेशा त्रिपुनित्रा में ही हुआ करती थी, और इसका ये भी कारण था बिकॉज ये कोच से थोड़ी अंदर है, तो आपको डिफेंड करने के लिए बहुत आसान है, बिकॉज अगर पुर्तगाली अटैक करते हैं, डच अटैक करते हैं या ब्रिटिश अटैक करते हैं, तो आपको एक सिक्योर लोकेशन जहाँ पर आपका राजधानी का होना चाहिए। तो राजा जो शक्तन तंबूरान थे उन्होंने इसे त्रिपुनित्रा को भी एक फोर्टिफाई किया और कोची को एक पावरफुल राज्य बनाया। अराउंड 17वीं शताब्दी की अंत में यहाँ पर एक भयानक इन्वेजन हुआ, वो था हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान का। केरला के इतिहास में ये सबसे हॉरिबल इन्वेजन्स में से एक है, बिकॉज काफ़ी कत्लेआम हुआ, काफ़ी मंदिरों को तोड़ा गया, काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किया गया, और मैसूर की फ़ौज ने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई कोची में, और कोची के राजाओं को सबमिट करना पड़ा टीपू सुल्तान और पहले हैदर अली और टीपू सुल्तान को। कोची के राजाओं ने जब टीपू को टीपू की मुख्तियारी स्वीकार की, तो टीपू का अगला निशाना था ट्रावणकोर का राज्य, और इसी का बट द थिंग इज ट्रावणकोर जो था वो अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में था। तो इसका फायदा उठाकर जब टीपू ने कोचिन कोचिन के राजा को के कंधे पर जैसे हम बोलते हैं बंदूक रख के, तो कि उन्होंने टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं, आप ट्रावणकोर के राजा कोचिन के बॉर्डर्स को मान नहीं रहे हैं, इसका ये इस्तेमाल करके ट्रावणकोर पर हमला किया, और तब जो अंग्रेज़ों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो टीपू को ख़त्म कर सके। और फिर उसके बाद जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें टीपू की हार हुई, और उसके बाद कोची जो है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में चला गया, और 1947 तक जो प्रिंसली स्टेट ऑफ कोचिन है वो अंग्रेज़ों के अंडर रहा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब कोची में अंग्रेज़ शासन यहाँ पर शुरुआत हुआ, तो 1809 में एक यहाँ पर एक रिवोल्ट भी हुआ है, एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट, जो केरल के बाहर ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो
जो कोचिन के राजा थे उनके हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे पालियात अचल करके, और 1809 में जो ट्रावणकोर में जो एक रिवोल्ट हुआ था उसी समय कोचिन में भी हुआ था, जिसे नायर रिवोल्ट भी कहा जाता है। जो नायर जो यहाँ के वॉरियर चीफ्टन्स हुआ करते थे उन्होंने एक अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, पर इस रिवोल्ट को अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर लिया था। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो कोची है उस पर कई प्रोग्रेसिव महाराजाओं ने राज किया, और जिस तरह से ट्रावणकोर में बहुत विकास हुआ उस तरह से कोची में भी विकास हुआ। जो एजुकेशन है या विमेंस इमेंसिपेशन है या ट्रेड कॉमर्स, एक बहुत प्रोग्रेस कोची में हुआ। 1920 में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो अंग्रेज़ हैं और जो कोची दरबार है उनको लगा कि कोची इज़ द बेस्ट नेचुरल हार्बर इन वेस्टर्न इंडिया और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये था कि जो कोची हार्बर है उसके बिगिनिंग में एक सैंड बार था, तो बड़े जहाज़ यहाँ पर आ नहीं सकते थे। अब देखिए, आप 17वीं 18वीं अर्ली 19वीं शताब्दी में तो छोटे जहाज आते थे, पर अगर कोची को एक बड़े हार्बर में और एक बड़े पोर्ट में डेवलप होना होता था तो देर हैड टू बी अ पॉसिबिलिटी फॉर बिगर शिप्स, बड़े जहाज़ों को यहाँ पर आने के लिए। तो उस समय रॉबर्ट ब्रिस्टाव करके एक अंग्रेज़ अधिकारी थे और उन्होंने कोची का जो सैंड बार्स थे यहाँ पे बड़ा ड्रेजिंग किया, यहाँ पे बड़ा काम हुआ। कोची पोर्ट में को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और 1928 में एसएस पद्मा करके एक बड़ा जहाज, इट वाज द फर्स्ट बिग शिप टू यू नो एंटर द हार्बर ऑफ कोचिन, और इसके बाद एक हम कह सकते हैं 1928 के बाद एक नया इतिहास कोची का शुरू हुआ। अब ये जो इट बिकेम अ वेरी इम्पॉर्टेंट हार्बर, क्योंकि अभी बड़े जहाज भी यहाँ पर आ सकते थे। इस ड्रेजिंग के दौरान और इस हार्बर के डेवलपमेंट के दौरान जो 3 किलोमीटर का जो आइलैंड, अराउंड 3 किलोमीटर का जो आइलैंड जो रिक्लेम हुआ था, उसे विलिंगटन आइलैंड कहा जाने लगा, उसे भी डेवलप किया गया। आज वो कोची पोर्ट के पास में है, और उसके बाद जो कोची पोर्ट का और कोची रियासत की जो समृद्धि है वो तो कुबेर की वर्षा हम कह सकते हैं। एक अंदाज़ा आपको देने के लिए कि जो एनुअल रेवेन्यू है कोची रियासत का वो अराउंड 3 करोड़ रुपए था, और ये अब इवन दो एक कोची उस मायने से छोटा राज्य था, जो ग्वालियर हो, कश्मीर हो, या जोधपुर हो, या ऐसे बड़े बड़े जो राज्य थे उनसे ज़्यादा था। तो इवन दो कोची एक छोटा राज्य था, उसका इनकम वॉज 3 करोड़ रुपीज़, विच वॉज वेरी बिग फॉर दोज टाइम्स। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इट वॉज वन ऑफ द टॉप 10 richest princely states इन इंडिया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और जब सारी रियासतें भारत में विलीन हो रही थी, तब जो ट्रावणकोर रियासत है, जो केरला की दूसरी रियासत थी कोचिन के अलावा, वहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ भारत ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ऑफ द दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर, और एजिटेशन हुआ, काफ़ी ड्रामा हुआ वहाँ पर। पर थैंकफुली जो कोचिन के राजा थे उन्होंने बहुत खुशी से अपनी रियासत को भारत में विलीन किया, और फिर बाद में जो वीपी मेनन है और सरदार पटेल है उनके एफर्ट से कोचिन और ट्रावणकोर राज्य को मिलाकर एक कोचिन ट्रावणकोर यूनियन बनाया गया, जो बाद में फिर केरला राज्य, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे, मलबार जो मलयालम स्पीकिंग रीजन था उसको बनाकर फिर बाद में उसका वो केरला बन गया। आज भी कोचिन एक बहुत मॉडर्न प्रॉस्परस प्रोग्रेसिव सिटी है, वहाँ पे बिनाले होता है, और जो थैंकफुली जो पुरानी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जो हमें उस समय आप देखिए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, डच इन्फ्लुएंस, पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस, ज्यूइश सिनेगॉग्स,
सीरियन क्रिश्चियन चर्च, सो एक एंट्रोपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा उस समय का मिडीवल वर्ल्ड का दुबई जो कोचिन हुआ करता आज भी देखा जा सकता है। और जो राजसी वैभव की निशानियां हैं, तो त्रिपुनित्रा में हिल पैलेस है जो आज म्यूजियम बना हुआ है, जो त्रिपुरा राज परिवार के जो क्राउन ज्वेल्स हैं, जो ताज है, वो वहीं पर है। अनफॉर्चुनेटली वो डिस्प्ले पे नहीं है, बट त्रिपुनित्रा का जो हिल पैलेस है, दैट इज़ द अल्टीमेट सिंबल ऑफ द रॉयल कोचिन। तो ये थी कहानी कोचिन रियासत।